मेडिसिन लाने के लिए। जो प्लीज जो भी इसमें इन्वॉल्व है कार्रवाई होनी चाहिए, एंड आज उसके साथ हुआ कल किसी और के साथ हो जाएगा। तो यहाँ से भी है एंड यहाँ से भी हो गए दो एंड उस साइड। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम से बढ़िया होंगे और बढ़िया भी होने चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। सबसे पहले आई एम सो थैंकफुल टू यू, आप लोग मेरी व्लॉग्स भी काफी अच्छा प्यार बरसा रहे हो। तो बस प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पे जल्दी से जल्दी 2K करवा दो एंड मेरी फेसबुक पे 1K करवा दो। तो उसके बाद इंशाल्लाह रहमान आप लोगों के लिए एक तगड़ा सा सरप्राइज एंड मैंने आपको गिव अवे का बोला है इंशाल्लाह रहमान। जैसे ही मेरी फेसबुक पेज पे 1K हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान मैं अपना जो गिव अवे वो अनाउंस करूंगा। तो चलो अपना जो व्लॉग है वो हम स्टार्ट करेंगे। चैनल पे अगर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जो जो बंदा आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करके जरा। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग एंड लेट्स गो। जो राइस की जो सीड्स हैं वो हमने सूखने के लिए रखा है, ये आप देख सकते हो 2-4 दिन सूखने के लिए रखना पड़ता है। तो फिर उसके बाद हमें इसको मशीन पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारा लंबा प्रोसेस होता है, तो फिलहाल आज ये पहला प्रोसेस है, ठीक है। इसको सुखाना है, फिर उसके बाद उठाना है और मशीन पर लेना है, वहाँ पर इसको एक और प्रोसेस हो जाएगा। तो बाकी ये आप देख सकते हो यहाँ से भी है एंड यहाँ से भी हो गए दो एंड उस साइड भी है हो गए तीन से। बाकी अभी हल्याला को मैंने पर्दा के नीचे रखा है, तो इसको भी अगर आज टाइम मिला तो इसको भी आज निकालेंगे। गाइस अंदर जाते हैं और थोड़ा बहुत काम है, सफाई वगैरह का काम है किचन में और लॉबी वगैरह में। तो चलो वो करते हैं, फिर इंशाल्लाह रहमान आप लोगों से मिलते हैं और आप लोगों से आराम से बात कर लेते हैं। Meanwhile, उनके साथ एक डिस्कस करना है, डिस्कस ये करना है। लास्ट 20 डेज से मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, मैंने कोई शूट नहीं किया। उसके पीछे का रीज़न ये है कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं एंड मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, उस चीज़ की वजह से मेरी जो चैनल है वो डाउनफॉल में जा रही है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो एंड प्यार बरसाओ, उस चीज़ की वजह से मेरी जो चैनल है वो मेनटेन हो जाएगी। एंड दूसरी न्यूज़ है वो कोलकाता से आ रहे हैं, वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, उसको रैप एंड मर्डर किया है। क्या हो गया हमको यार, प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है। तो जो एक डॉक्टर होता है वो लोगों का इलाज करते हैं, लोगों को सर्व करते हैं, ठीक है। तो बट अगर हम उन्हीं के साथ ऐसा करेंगे, उनके साथ क्या किसी के साथ भी गलत हमें नहीं करना है। तो प्लीज़ जस्टिस मिलनी चाहिए, ठीक है। आज उसके साथ हुआ कल किसी और के साथ हो जाएगा। तो जो प्लीज़ जो भी इसमें इन्वॉल्व है कार्रवाई होनी चाहिए एंड ऐसा दोबारा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की बात है जब मैंने ये सुना और जब मैंने ये देखा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है इस टाइम स्टैंड होना, उसके लिए जस्टिस लाना, ठीक है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि आज इसके साथ हुआ कल किसी और के साथ हो जाएगा, तो ये हम बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो भी बंदा इसमें इन्वॉल्व है या जिसने भी ये करवाया है, तो प्लीज़ उसके खिलाफ एक्शन करो, ठीक है। तो चलो जी फिलहाल अभी अपना जो काम वगैरह है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, जो भी आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो आप बनो, आप मेहनत करो, उस गोल के पीछे मेहनत करो, इंशाल्लाह रहमान आपका जो गोल है एक ना एक दिन हासिल हो ही जाएगा, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड फॉलो करो दबा के, ठीक है। तो लेट्स गो। Ingeniero, ¿ya? ¿Qué cacho va a venir con tu gata, ¿sabes? सो गाइस हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, अभी हम अंदर जाएंगे, ओपीडी टिकट वगैरह लेंगे और फिर उसके बाद हम मम्मी को डॉक्टर साहब को दिखाएंगे। मम्मी को मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया है, उसने कुछ मेडिसिन वगैरह ली है, तो अभी मैं जा रहा हूं जी वही मेडिसिन लाने के लिए और कुछ मेडिसिन। तो चलो मम्मी को इंजेक्शन वगैरह करवाएंगे और फिर उसके बाद ये दवाई भी देनी है मम्मी को, तो इंशाल्लाह रहमान मम्मी एकदम ठीक हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम हॉस्टल से वापस निकल चुके हैं और मम्मी को थोड़ी बहुत फ़र्क हुई है और मम्मी ने बोला अब मैं घर जाके आराम करूंगी एंड मुझे खुद फ़र्क हो जाएगी एंड मेडिसिन वगैरह मैंने सारा ले लिया है। अभी मम्मी जी भी आ चुकी है, तो फिलहाल अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे। बट उससे पहले उसमें मैं काफ़ी सारे बीमार हैं एंड मैं 10 मिनट वहाँ पर बैठा था, लेकिन इतने सारे पेशेंट्स हैं ना, अल्लाह ताला सबको रहम करे और अल्लाह ताला सबको शफा अदा करे, ठीक है। तो गाइस चेक दिस आउट, दिस इज़ नाइट व्यू ऑफ कुपवारा। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा।
हम घर पहुंच चुके हैं, मम्मी की तबीयत थोड़ी बहुत ठीक है, अभी वो आराम करेगी इंशाल्लाह रहमान, उसको फर्क पड़ेगी। तो बाकी मैंने सोचा था कि आज हम एक अच्छा सा व्लॉग शूट करेंगे, लेकिन जब मैं घर आया था मम्मी ने मुझे बोला था कि मैं ज़्यादा बीमार हूँ और हम हॉस्पिटल जाएंगे, तो उस चीज़ की वजह से मैं फिर फर्दर शूट नहीं कर पाया, मतलब जो मुझे आप लोगों को दिखाना था एंड ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाएंगे। तो फिलहाल अभी हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको आज का व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आएगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाना। मिलते हैं सच से व्लॉग में, तब तक के लिए आप टेक केयर, बाय।